भारत सरकार ने भी काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इन बम धमाकों की निंदा की है। आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की बात कही है। दुनिया के तमाम देशों के साथ ही भारत ने भी काबुल आतंकी हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। काबुल में हुए हमले इस बात को फिर से मजबूत करता है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वाले के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के पास जिस वक्त ब्लास्ट हुए उस वक्त वहां काफी भीड़ थी, हालांकि अभी भारतीयों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इधर तालिबान ने अपना वास्तविक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार बनाने वाली कमेटी में शामिल रहे पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला की सुरक्षा घटाते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया है। तालिबान की फितरत कहे या चालबाजी, अफगानिस्तान पर राज करने के लिए तालिबान कुछ भी कर सकता है। रिपोर्ट है कि काबुल सीरियल ब्लास्ट से ठीक पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर लिया, साथ ही दी जाने वाली सुरक्षा को भी कम कर दिया। माना जा रहा है कि हटाए गए सुरक्षा कर्मी दोनों नेताओं के करीबी थे। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक नेताओं की कारों को भी जब्त कर लिया गया है। ऐसे में हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को पूरी तरह से तालिबान की दया पर आश्रित रहना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।